नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेदिक नई दिशा में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं करवा चौथ के व्रत के बारे में। महिलाओं का सबसे बड़ा त्यौहार होता है करवा चौथ का व्रत। इस व्रत को महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। करवा चौथ का व्रत उन महिलाओं के लिए बड़ा स्पेशल हो जाता है जो कि नई नवेली दुल्हन होती हैं। शादी के बाद पहला करवा चौथ है उनके लिए बेहद ही खास हो जाता है। इस दिन महिलाएं खूब श्रृंगार करती हैं और हाथों में मेहंदी लगाती हैं। कुछ महिला तो सजने संवरने के लिए ब्यूटी पार्लर में भी जाती हैं, परंतु आज के वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे। अगर आप इसे करवा चौथ से कुछ दिन पहले अपनाते हैं तो आप अपने चेहरे पर चार चांद लगा पाएंगे। तो इन टिपों को फॉलो करने के लिए बने रहें दोस्तों वीडियो के अंत तक। दही और हल्दी। दही और हल्दी का फेस पैक चेहरे के लिए बहुत ही फायदेमंद माना गया है। यह फेस पैक आपकी त्वचा की रंगत को निखारने का काम करता है, साथ ही यह आपके चेहरे की टैनिंग हटाकर आपकी त्वचा को मुलायम बनाता है। इस फेस पैक को बनाने के लिए आपको सबसे पहले 2 चम्मच दही ले लेना, फिर आपने इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर मिला लेना है और इसमें थोड़ा सा नींबू का रस मिलाकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें और फिर इसे अपने चेहरे पर लगाकर 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर आप इसे गुनगुने पानी से धो लें। आप देखेंगे कि आपकी त्वचा मुलायम और खूबसूरत हो गई है। चंदन का फेस पैक त्वचा के लिए बहुत ही फायदेमंद माना गया है। चंदन के तेल में जीवाणुरोधक गुण पाए जाते हैं जो कि आपकी त्वचा से कील मुहासों को दूर करने का काम करते हैं। इस फेस पैक को बनाने के लिए आपको चंदन की 2 से 4 बूंद ले लेनी है और इसमें 1 चम्मच बादाम का तेल मिला लेना है और साथ में इसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें और फिर 15 से 20 मिनट के लिए अपने चेहरे पर लगा लें और फिर इसे गुनगुने पानी से धो लें। तो आप देखेंगे कि आपके चेहरे पर हुए डार्क सर्कल, कील मुहासे आदि की सभी समस्याएं समाप्त हो गई हैं। शहद और नींबू। नींबू चेहरे की डेड स्किन को हटाकर आपकी त्वचा को गोरा बनाने का काम करता है। शहद में जीवाणुरोधक गुण होते हैं जो कि आपकी त्वचा को साफ रखने का काम करता है। इस पैक को बनाने के लिए आपको 1 चम्मच शहद में 1 चम्मच नींबू का रस मिला लेना है और इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अपने चेहरे पर अप्लाई करें और 15 से 20 मिनट के बाद इसे अपने चेहरे को वॉश कर लें। इससे आपके चेहरे पर शाइनिंग आएगी। तो इस प्रकार से आप करवा चौथ पर इन टिपों का इस्तेमाल करते हैं तो आपके चेहरे की रौनक और बढ़ जाएगी। तो ये थी दोस्तों आज की जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई। अगर पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ में वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर पर अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।